हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है फायर वॉचर के बारे में। फायर वॉचर के बारे में आज हम देखेंगे कि फायर वॉचर क्या होता है, उसकी ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, उसकी एक्टिव एंड रिएक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी ड्यूटी के ऊपर क्या क्या होती हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और गुल्फ के लिए अगर किसी फायर वॉचर को जाना है तो उसकी क्या ट्रेनिंग और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो काइंडली अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले देखेंगे फायर वॉचर क्या होता है। फायर वॉचर एक ऐसा पर्सन होता है जो वर्किंग साइट पर जहां हॉट वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हो, लाइक वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, उनको मॉनिटर करने के लिए असाइन किया जाता है वहां पर, ताकि वहां पे कोई स्पार्क वगैरह ना हो, कोई फायर लगने के चांस ना हो, तो अगर कोई फायर वगैरह लगे तो वो उसे एक्सटिंग्विश कर सके। तो इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यही होती है कि ये एक विजिलेंट आई रखता है जो वर्किंग एरिया है, जो जहां पर काम हो रहा है और जो उसकी आसपास का एरिया है वहां पर, ताकि अगर कोई वहां पे स्पार्क नजर आए तो उसे एक्सटिंग्विश कर सके। स्पार्क जाने के साथ साथ अगर वहां पे अगर कोई पोटेंशियल सोर्स पड़ा है जिससे फायर लगने के चांसेस हैं तो वो उसे वहां से रिमूव कर सके। तो इसके एक्टिव एंड रिएक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती हैं जो अगर फायर लगने से पहले पहले जो कंट्रोल मेजर्स उसने करने होते हैं ताकि फायर ना लगे, अगर फिर भी फायर लग गई तो फिर रिएक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं तो वो उसने मेक श्योर करवानी होती है। तो एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर जो जो चीजें आती हैं ये इंटरव्यूज के अंदर मोस्टली पूछी जाती हैं, लाइक एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां पे मौजूद हैं वो उसने चेक करने होते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो वेल मेंटेन्ड है, और जो टूल्स हैं वो आपने देखने हैं कि उसके ऊपर इंस्पेक्शन का टैग लगा हुआ है, क्या वो इंस्पेक्टेड है। एंड नेक्स्ट जो है वहाँ पे जो वेल्डिंग मशीन और जनरेटर वगैरह है जिसे काम करना है, क्या वो इंस्पेक्टेड है, और उनकी लिस्ट जो है वो किसी ऑथराइज पर्सन से साइन होता है कि कल को आपके ऊपर ब्लेम ना आए। एंड नेक्स्ट जो होता है वो आपने जो है अगर वहाँ पे कहीं फायर लग जाए जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसे स्टॉप करवाना होता है। एंड लास्ट थिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर वहाँ पर काम हो चुका है, कहीं पर रोड पर एक्टिविटीज थी वो उन्होंने कंप्लीट कर, उसके बाद फायर वॉचर की ड्यूटी होती है कि वो 30 मिनट तक वहां पर रुके ताकि फायर लगने के चांसेस ना हो। कि वहां आपके पास एक गैस टेस्टर होना चाहिए ताकि आप लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट चेक कर सको। नेक्स्ट थिंग है रिएक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर वहाँ पे कोई फायर लग गई है तो आपने सबसे पहले जो कोई फायर लगी है उसे एक्सटिंग्विश करना है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपने अपने अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को बताना है उसके बारे में, और या जो लाइक फायर फाइटर्स हैं आपने उनको इन्फॉर्म करना होता है, और जो वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है उसके रिलेटेड आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिल करने होते हैं। ये रिएक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इसकी। एंड जो नेक्स्ट है आपकी ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन के बारे में क्या होनी चाहिए। आपके पास निबोश, आयोश या ओशा या HSE के रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन मौजूद हो। आपके पास गुल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने बाहर कहीं मूव होना है तो गुल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 1 शॉट डाउन आपकी लगी हो। एंड अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास लोकल ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोस्टली इस तरह होता है कि सबसे पहले जब शट डाउन आती हैं तो गुल्फ वाले जो हैं वो पहले प्रेफर होते हैं, तो वो पहले निकल जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे शट डाउन आती जाती हैं तो गुल्फ वाले कम हो जाते हैं, तो फिर वो लोकल एक्सपीरियंस वाले बंदों को हायर करना शुरू कर देते हैं। तो आपने ट्राई जारी रखनी है। बाकी आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो इतनी हो कि आप इंग्लिश में बात कर सको और आवाज समझ सको। एंड नेक्स्ट थिंग है कि आपके पास फायर वॉचर्स के बारे में स्पेसिफिक ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन कोई होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन हो आपके पास। एंड आपके पास कोई फायर के बारे में बेसिक नॉलेज हो, आपको पता हो फायर क्या होती है, फायर टेट्राहेड्रॉन क्या है, फायर सेपरेट वेज क्या है, और आपको वहां पर आपको अपने जो है लोकल प्रोटोकॉल्स हैं फायर रेगुलेशंस के बारे में उससे फैमिलियरिटी होनी चाहिए। एंड लास्टली क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर एमरजेंसी रिस्पॉन्स की ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए, ताकि अगर कल को कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो आप उसको हैंडल कर सको। तो आगे है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में जो आपके पास चीजें होनी चाहिए, आपके पास एक हाई पावर स्मोक डिटेक्टर या फ्लेम डिटेक्टर मौजूद हो, ताकि जहां कहीं पे भी फायर या फ्लेम हो तो आपको पता चल जाए। एंड नेक्स्ट है कि आपके पास वॉकी टॉकी होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, या रेडियो या कोई और चीज जिससे आप अगर कहीं पे फायर लगे तो आप क्विकली पीछे रिपोर्ट कर सको उनको, फायर फाइटर्स को या अपने जो आपका अप्रोप्रिएट पर्सन है उसे। एंड लास्टली आपके पास वेदर मॉनिटरिंग के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ताकि आप मौसमी हालात के मुताबिक काम रुकवा सको। अगर कहीं बारिश वगैरह के चांसेस हैं तो उस हिसाब से आप उस काम को स्टॉप कर सको। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।